हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं CUET PhD एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए सिलेबस के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से आपको सिलेबस मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्योंकि पिछले हमारे वीडियो में बहुत डिमांड आई थी हमारे पास के लोग कह रहे हैं कि बताया जाए कि सिलेबस कैसे प्रिपेयर करें, स्पेशली आपका जो रिसर्च का जो सिलेबस है यानी कि पेपर वन जो आपका रहता है, मतलब फर्स्ट पार्ट जो आपका रहता है एग्ज़ाम में, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो मैं उसके लिए प्रॉपर आपको पूरा सिलेबस दिखाऊंगा। और कुछ लोग तो सिलेबस देखकर ही पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है गूगल से और किसी तरीके से बुक्स वगैरह से जो है वो अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बुक से भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, उनके लिए मैं भी एक तरीका बताऊँगा कि किस तरह से वो बहुत ही आसानी से जो है वीडियोज़ को देख करके वो अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वह फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने ये वीडियो बनाया था, इसमें मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके बाद दोस्तों हमने दो अपडेटेड वीडियो और बनाए थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं CUET PhD डाउट का, आप ये वीडियो देख रहे हैं इधर ये लेफ्ट साइड पे। यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपके कई सारे सवालों के जवाब दिए हुए हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक साथ चार यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, फ़ीस कितनी लगती है, JRF वालों को एग्ज़ाम देना होगा कि नहीं देना होगा। तो ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में बता चुका हूँ। और साथ ही PhD फॉर्म फिलिंग का वीडियो भी हमने बना दिया है, तो जो लोग फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल लेटेस्ट जो है ये पोस्ट देखने को मिल जाएंगे वीडियोज़ के। अब हम बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। तो दोस्तों, सिलेबस के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये देख सकते हैं आपका पेपर वन का रिसर्च का जो ये सिलेबस आप देख सकते हैं, इसमें आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 50 क्वेश्चन आपके आने हैं, 50 क्वेश्चन में अगर आप 40 to 45 क्वेश्चन भी अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप आराम से एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन टू रिसर्च पढ़ना होगा, जिसमें कि आपका मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिज़ाइन एंड इसकी स्टेजेस, सेलेक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस क्या होता है, डेवलपिंग रिसर्च प्लान, एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, डिटरमाइनिंग एक्सपेरिमेंटल एंड सैम्पल डिज़ाइन। फिर सेकंड आपका टॉपिक है डेटा कलेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा कलेक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस में आपको यहाँ पर स्टैट्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिकल ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन और आपका ओगिव डॉट प्लॉट्स। इनमें से ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ें जैसे स्क्यूनेस हो गया, कर्टोसिस हो गया, मेजर ऑफ रिलेटिव स्टैंडिंग, क्वालिटेटिव अप्रोच, ये सारी चीज़ें, ग्राउंडेड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एथनोग्राफी, नैरेटिव इंक्वायरी और आपका फिनोमेनोलॉजी एंड केस स्टडी, ये सारे टॉपिक इस जो है थर्ड पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड आपका जो पॉइंट है वो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना है। देन आप देखेंगे यहाँ पर साइंटिफिक राइटिंग है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, प्रपोजल वगैरह कैसे होता है, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, रैशनल, ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और लास्ट में आपका जो ये टॉपिक है रिसर्च एथिक्स क्या होता है, तो इसमें से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। देखिए दोस्तों, रिसर्च में मैटर बहुत ही भरा पड़ा हुआ है, लेकिन ये मैं आपके लिए एक बहुत ही जनरल कह सकते हैं कि बहुत ही सिंपल और जो कॉमन जो चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं आपके एंट्रेंस टेस्ट में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है, पेपर उतना टफ नहीं होगा जितना कि UGC नेट और CSIR नेट का होता है, उतनी ज़्यादा मेरिट भी इसमें शायद नहीं जाएगी, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसको लाइटली लीजिए, लेकिन अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से आप देखिए, मैं भी आपको बताऊँगा कि कहाँ से आप इन सारी चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं ये भी कहूँगा कि मैं जो आपको सोर्स बताने वाला हूँ, वहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक वहाँ पे मिल ही जाएं, लेकिन बहुत सारे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात आती है पेपर टू की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर टू के लिए जो आपका CUET का ये मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, ये मैंने आपको अपने डाउट वाले वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 15 पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ UGC नेट, तो यहाँ पर इन्होंने ये लिंक दिया हुआ है, सिलेबस ऑफ CSIR नेट के जो सब्जेक्ट होते हैं उसका भी लिंक दिया हुआ है। दोनों लिंक मैंने ओपन किए हुए हैं। यहाँ पर जो आपके जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मोस्टली वो UGC नेट कंडक्ट कराता है, और कुछ आपके सब्जेक्ट इसमें साइंस से भी रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। टोटल यहाँ पर आपको 103 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें कि आपका एक जनरल पेपर भी है, इसको आप छोड़ देंगे तो 102 सब्जेक्ट्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पर ये सिलेबस देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपना सिलेबस यहाँ से डाउनलोड करिए आपके सब्जेक्ट का, और ईजिली यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं।
इसके बाद जो लोग सी एस आई आर नेट के जिनके सब्जेक्ट हैं जैसे केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, तो वो लोग यहाँ से जो है अपने सिलेबस को निकाल सकते हैं। जैसे केमिकल साइंस पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें देखने के लिए आपको डिटेल में यहाँ पर इस वेबसाइट पर विजिट पूरा इसको देखना पड़ेगा ध्यान से, तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ दी हुई है। ठीक है, तो ये आपकी प्रिपरेशन करने के लिए मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप वीडियोस के माध्यम से प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ये चैनल है जो इसको सर्च करना होगा, द इंक्लूसिव जोन। यहाँ पर जब आप इसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप जब जाएंगे इसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी रिसर्च इन एजुकेशन एंड रिसर्च एप्टीट्यूड फॉर पेपर वन, जिसमें कि आपको दोस्तों 71 वीडियोज़ मिलेंगे, प्रॉपर वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और ये कोई चैनल ऐसा वैसा चैनल नहीं है दोस्तों जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सब्सक्राइबर देख करके बिल्कुल भी ये मत कहिएगा कि जो है बिल्कुल भी मतलब चैनल ये ख़राब होगा। ये चैनल दोस्तों हमारी एक फ्रेंड हैं, ये उनका चैनल है और ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में यूपी में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नाम और इनकी डिटेल सब कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। आप देख सकते हैं कि इनका जेआरएफ हो चुका है। ठीक है, 4 times नेट है, 1 time जेआरएफ है, सीटेट है, टेट है, परसुइंग पीएचडी इनकी चल रही है एजुकेशन सब्जेक्ट से, और प्रेजेंट टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ज़रूर से आप इस चैनल को विजिट करिए अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी सिलेबस वाली, आप लोग इजीली अब प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आपको सिलेबस के पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इनके सिलेबस के लिंक आपको डायरेक्टली जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, तैयारी कीजिए, अप्लाई कीजिए इसमें, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के माध्यम से। ओके, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली वैकेंसी या फिर पीएचडी एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।